इतिहास गवाह है कि अमेरिका भारत का कितना बड़ा हितैषी रह चुका है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बता चुके हैं। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान की कई कंपनियों पर न्यूक्लियर सामान की गैरकानूनी लेनदेन की वजह से बैन लगा चुका है। लेकिन अब वही अमेरिका एक बार फिर भारत को धोखा देकर पाकिस्तान की बड़ी मदद करने जा रहा है। अमेरिका फिर से पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान की सहायता के लिए इस बार अमेरिका ने एक ऐसा बहाना बनाया है जिससे भारत और दुनिया उस पर सवाल भी न खड़ा कर पाए। दरअसल पाकिस्तान को टीटीपी की खुली चुनौती के बाद अब अमेरिका ने पाकिस्तान को अनकंडीशनल हेल्प यानी बिना किसी शर्त के मदद का ऐलान किया है। टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अमेरिका ने यह फैसला पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले के बाद लिया है। पाकिस्तान के मीडिया में अमेरिका की मदद की खूब चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में टीटीपी ने पाकिस्तान के एक काउंटर टेररिज्म सेंटर पर हमला कर दिया था। इस हमले में टीटीपी पाकिस्तान की कैद से अपने कई साथियों को छुड़ाकर ले गया और साथ ही पाकिस्तान के कई सैनिकों को बंधक बना लिया। टीटीपी ने हाल ही में पाकिस्तान की सेना के साथ चला आ रहा सीज फायर तोड़ दिया था। उसी के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले का फायदा उठाने के लिए अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिका यहाँ पर एक बार फिर अपना पुराना और खतरनाक खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के के बाद अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के हर मदद देगा क्योंकि आतंकवाद को हराना हम दोनों देशों का म्यूचुअल गोल है। लेकिन आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका इस मदद के बहाने पाकिस्तान को कई सारे हथियार देगा और उसे फाइनेंशियल मदद भी करेगा ताकि पाकिस्तान भी उसके कब्जे में रहे और भारत पर भी दबाव बनाकर रखा जाए। अमेरिका ये अच्छी तरह से जानता है कि पाकिस्तान इस मदद का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में करता है। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका हर जगह अपनी इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है। रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया। भारत पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ताइवान का इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ फाइटर जेट्स के मेंटेनेंस के लिए आंखें बंद करके पैसा दिया था। अमेरिका ने तब भी यही बात कही थी कि वो पाकिस्तान की मदद सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे। ये पूरी दुनिया अच्छी तरह से यह बात जानती है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस तर्क का जिक्र करते हुए कहा है कि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान 60 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके खिलाफ करता है। जयशंकर ने अमेरिका की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि आप इस तरह की बातें करके आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते। तो दोस्तों, इससे आपको समझ में जरूर आया होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा अस्थिरता फैलाने में किसका हाथ होता है। अगर समझ गए तो यह बात आप नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।